देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आज 26 जनवरी है और अमूमन ये वक्त होता है दिन भर के कार्यक्रमों का लेखा जोखा आपके सामने रखने का, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी में जो हुआ, जो हंगामा और जो हिंसा देखी गई, उसने तमाम दूसरी खबरों, गर्व की तस्वीरों और यहां तक कि तरक्की के संदेश को कहीं पीछे छोड़ दिया है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर आज दिल्ली की सड़कों पर अराजकता की तस्वीर देखी गई। किसान लंबे वक्त से ट्रैक्टर परेड निकालने की मांग पर अड़े हुए थे, उनकी मांग पूरी भी हुई, लेकिन इसके नतीजे के तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने लाल किले को अपने कब्जे में लेने की हिमाकत की। लाल किले पर तिरंगे झंडे का खास महत्व है। लाल किले की प्राचीर से तिरंगे को छोड़कर कोई भी दूसरा झंडा फहराना देश की संप्रभुता पर चोट जैसा है, लेकिन आंदोलन के जोश में किसान होश खो बैठे। हंगामे की वजह से कई जगह ट्रैक्टर पलटे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, यहां तक कि एक किसान की मौत भी हुई है। और ये सब हुआ एक ऐसी तारीख पर जब मौका था संविधान को याद करने का। हम आपको राजधानी में किसानों के हंगामे की पूरी कहानी सिलसिलेवार और समयवार तरीके से बताएंगे। आप बस अगले एक घंटे तक बने रहिएगा हमारे साथ। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब हंगामा हुआ। दिन भर के कोहराम को आप कुछ तस्वीरों के जरिए समझिए। ये कल्पना नहीं की गई थी जब दिल्ली पुलिस की ओर से ट्रैक्टर रैली को इजाजत दी गई थी। किसान लंबे वक्त से मांग कर रहे थे, लेकिन आज इस ट्रैक्टर रैली की वजह से जो तस्वीर दिल्ली की सड़कों पर देखी गई उसका बस एक छोटा सा नमूना है। इस हंगामे की तस्वीर देखिए और समझिए कि 26 जनवरी को अगर देश की राजधानी में इस तरह का हंगामा हुआ है तो इससे न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों तक जो संदेश गया उसे हमें समझना पड़ेगा। हालांकि किसान नेता वो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं चाहते थे और वो ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली अपने रूट पर रहती, इसके बारे में उन्होंने पहले ही कहा था। लेकिन ये तस्वीरें आप देखकर समझिए कि किस तरीके से हंगामा हुआ और कैसे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भिड़ंत हुई, लाठीचार्ज करने की नौबत तक आ गई, कई जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन ये तस्वीरें खासतौर से हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में क्योंकि इससे हंगामे की जो पूरी कहानी है वो आप समझ पाएंगे। दिल्ली में उपद्रव की सबसे ताजा तस्वीरें ये आपके सामने हैं। लाल किले पर किसान प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से हंगामा किया ये आपके सामने हम रख रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या इसकी कल्पना की गई थी। अगर ऐसा हुआ है लाल किले की प्राचीर में इस तरीके का हंगामा जिसकी तस्वीरें इंडिया न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं तो वाकई ये शर्मनाक है और कई सवाल अपने आप में खड़े होता है। आप देखिए कैसे किसान यहां से वहां भाग रहे हैं, पुलिस उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रही है। ये लाल किले क्या जो एंट्रेंस है आप देख रहे हैं, यहां पर आप अक्सर जाते होंगे और बड़े गर्व से इस इमारत को देखते होंगे, इसे महसूस करते होंगे। लेकिन 26 जनवरी के मौके पर जब संविधान को याद करने का दिन था तब इस तरह की तस्वीर उभरी है लाल किले की प्राचीर से और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वाकई किसान आंदोलन के तौर पर एक अच्छा संदेश नहीं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ प्रिया जुड़ गई हैं और इसके साथ ही आदित्य नायर भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आदित्य आपका रुख करती हूं और आप दोनों चूंकि दिन भर फील्ड पर थे और इसीलिए आप लोगों ने देखा भी है कि कैसे हिंसा शुरू हुई और कैसे ये जो हिंसा है बहुत ही खराब तस्वीर के तौर पर हमारे सामने आई। आदित्य आप जरा बताइएगा ये जो तस्वीर लाल किले की प्राचीर से बिल्कुल ताजा तस्वीरें इंडिया न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये हंगामा कितना बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते आखिर इस हद तक कैसे पहुंच गया कि भगदड़ मच गई, पुलिस को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, उसके बाद भी किसान नहीं माने और वहां पर तिरंगे झंडे के अलावा और भी कोई अगर झंडा फहरा दिया गया तो जाहिर है कि ये शर्मनाक है। आदित्य जी बिल्कुल, इंग्लिश में इसे कैपिटल शेम कहते हैं और आज यही देखने को मिला कि सुबह 7 बजे के करीब जब दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से किसानों ने अपने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ते रहे, फिर वो जहां जहां पे भी उनके लिए आगे 12 बजे की जो उनकी रैली निकलनी थी उन्होंने सुबह 7 बजे ही निकाली, फिर उन्होंने वो आगे जो बैरिकेड्स थे वो तोड़कर अपने ही जो डिसाइडेड रूट है उसी से हटकर वो दिल्ली के रेड फोर्ट पे पहुंचे। रेड फोर्ट ITO में उनके साथ पहले पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, फिर वहां से किसानों ने डिसाइड किया कि वो रेड फोर्ट जाएंगे,
लाल किला पहुंचने के बाद फिर वहां पे जब किसान वहां बहुत देर से बैठे हुए थे और किसानों ने वहां पे पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था, तो पुलिस ने डिसाइड किया कि वो लाठीचार्ज करेंगे और किसानों को हटाने की कोशिश करेंगे। पर जैसे पुलिस ने अपनी तरफ से लाठीचार्ज शुरू करी तो पुलिस को समझ आया कि वो काफ़ी ज़्यादा आउट नंबर्ड है, और उसी टाइम पर जो ये पूरा जो केओस है ये मचाया गया उस पूरे इलाके में, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो आसपास के लोकल्स थे वो इस क्राउड के साथ जुड़ गए और उन्होंने उस पूरे इलाके में तोड़फोड़ किया। हमने आपको लाइव विजुअल्स भी दिखाए हैं कि कैसे रेड फोर्ट के अंदर घुसकर इन्होंने वहां पे तोड़फोड़ किया है, और उसके बाद कुछ ऐसे किसान कुछ ऐसे लोग थे जो रेड फोर्ट के ऊपर वहां पे जो तिरंगा है वहां तक चढ़कर जो अपना निशान साहब है वो झंडे भी वहां पर लहराए गए। तो इस तरीके के एक तरीके से कैपिटल शेम जैसे इंग्लिश में कहते हैं वो आज दिल्ली में देखने को मिला है। एक ऐसा दृश्य जो शायद हम आज अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखेंगे और शायद ना ही देखना चाहेंगे। जी आदित्य, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस हद तक मामला बिगड़ सकता है, और उसी लिहाज से सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो उस हद तक नहीं किए गए थे ताकि ऐसे किसी मामले को कंट्रोल में किया जा सके। आप वहां पर मौजूद थे, अचानक जब ये भगदड़ मची, अचानक जब दिल्ली पुलिस काबू करने की कोशिश कर रही थी, आपने किसानों से भी बात करने की कोशिश की होगी, आखिर उनका क्या कहना था, वो कौन से लोग थे? अगर आज ये कुछ किसान ये कह रहे हैं कि देखिए हम नहीं जानते कि कौन से लोगों ने वहां पर जाकर झंडा फहरा दिया, तिरंगे के अलावा कोई भी झंडा अगर लाल किले की प्राचीर से फहराया जा रहा है तो ये एक शर्म की बात है और ये बार बार हम बता रहे हैं, लेकिन वो कौन से लोग थे, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है आदित्य? जी देखिए, अभी तक किसानों से जब मैंने ऑन ग्राउंड पे बात करी थी तो पहले तो किसान दो ग्रुप हैं, एक जो किसान नेता जो अभी तक इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे उनका कहना यह है कि जो भी लोगों ने यहाँ पे जो वायलेंस किया है वो किसान नहीं है। दूसरी तरफ जब हम किसानों से ऑन ग्राउंड बात कर रहे थे, खुद मैं भी और मेरी सहयोगी प्रिया भी, तब किसानों का कहना यही था कि जो पहले जिन्होंने वार किया वो पुलिस ने किया और किसान जो कर रहे थे वो रिटेलिएट कर रहे थे, तो उसी वजह से हुआ है। और ये भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि काफ़ी सारे ऐसे लोकल्स और काफ़ी सारे एंटी सोशल अलग दूसरे एलिमेंट्स जो किसान नहीं थे जो इसमें घुस गए थे, जो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस पर भी हो, चाहे जो एक नेशनल मॉन्यूमेंट है जो लाल किला उसको तोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे, और उस तरीके से बहुत सारी ऐसी हरकतें हुई हैं वहाँ पर जो कि एक किसान आंदोलन के नाम पर लोगों ने अपनी अपनी जो भड़ास है, अपने जो फ्रस्ट्रेशन है उसे निकालने की कोशिश करी। और पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रिपेयर थी इस पूरे मामले के लिए, और इसके लिए भी सवाल उठाने चाहिए कि बिल्कुल आप रहिएगा हमारे साथ आदित्य, मैं आगे भी आपके पास आऊंगी और प्रिया भी लगातार बनी हुई है, प्रिया आपसे भी मैं बात करूंगी। लेकिन इस बीच एक अहम रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को, लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराया जाना देश के लिए गर्व और सम्मान की बात है, लेकिन आज राजधानी दिल्ली के बॉर्डर से शुरू हुआ हंगामा लाल किले तक पहुंचा। किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए जो रूट निर्धारित किया गया था, लाल किले का नाम उसमें हरगिज नहीं था, लेकिन किसान नहीं माने, देखते देखते बड़ी संख्या में किसान लाल किले पर इकट्ठा हुए। उसके बाद क्या हुआ पूरी कहानी इस रिपोर्ट से समझिए। ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर भी कम बवाल नहीं हुआ, हुड़दंगी न सिर्फ लाल किले के अंदर घुसे, वहां वो सब कुछ किया जो किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं माना जा सकता। जिस लाल किले पर गणतंत्र दिवस के लिए तिरंगा शान से लहराता है, वहां प्रदर्शनकारियों ने अपने झंडे लगा दिए, समझिए लाल किले को अपने कब्जे में ही ले लिया। लाल किले जाना है और कल एक मीटिंग बकायदा उसके लिए हुई थी तमाम बॉर्डर्स पर, हालांकि वो जो मीटिंग है उसके अंश मीडिया से शेयर नहीं किए गए थे और सिर्फ ये बताया गया था कि जो दिल्ली पुलिस ने रूट तय किया है उस पर किसान जाएंगे और वापस आ जाएंगे। हालांकि लाल किले की तरफ हालांकि किसान क्यों बढ़े, कुछ किसानों ने यह कहा कि जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़े हैं वो किसान नहीं है, उसमें शामिल दूसरे लोग। बताया जा रहा है कि लाल किले पर जो भीड़ आई वो कश्मीरी गेट के रास्ते से होते हुए लाल किले में दाखिल हुई। इस भीड़ में दूसरे इलाकों से आए भी प्रदर्शनकारी थे, हुड़दंगी लाल किले की बैरिकेडिंग तोड़कर उसमें दाखिल हो गए। पुलिस उन्हें समझाती रही, मनाती रही, लेकिन आंदोलनकारियों के सिर पर तो हुड़दंग का खुमार सवार था। दावे किसानों की ओर से किए गए थे, जितने दावे किसान नेताओं की ओर से किए गए थे कि ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, दो महीने में हमने जो तस्वीरें देखी ठीक उसके उलट तस्वीरें, यहाँ पर जो आंदोलनकारी है वो हिंसात्मक हो गए, हर थोड़ी देर पे यहाँ पर लाठी चार्ज किसानों की ओर से भी किया जा रहा है, पुलिस वालों की ओर से किया जा रहा है, घायल है पुलिस वाले, उन्हें लेकर जाया जा रहा है, किसी का पैर तोड़ा गया है, किसी का सर फोड़ा गया है।
तो तमाम जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन्हें सबसे ज्यादा इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है और स्थिति यहाँ पर लगातार बेकाबू होती हुई हमें पर दिखाई दे रही है। और अब तक कई ऐसे पुलिस वाले हैं जिनका सर फोड़ा गया, सीधा उनके सर पे अटैक किया जा रहा है। लगातार ये जो पूरा आंदोलन है, देखिए किस तरीके से इसकी पूरी तस्वीर बदलती जा रही है। दो महीने की जो तस्वीरें थी सब बदल गया, आज एक दिन में ये पूरा आंदोलन परिवर्तित हो गया है। लाल किले पर धीरे धीरे बवाल बढ़ने लगा। उग्र भीड़ लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर पर चढ़ गई, उस पर कब्जा कर लिया, नारेबाजी, हंगामा और बवाल का कहर काट दिया। बातचीत कर पाए तो जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई अभी बात करने के लिए तैयार नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी। सर आप लोग चाहते क्या है? हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं जी, तो हमें जब हम पहले भी आते थे जहाँ दिल्ली में आना था हमें, तो हमें रोका गया बॉर्डर पर। तो ये लोग समझते हैं किसान इस देश के नागरिक नहीं है, तो इनको लगता है किसान को कितने कितने नाम दिए मीडिया ने, उग्रवादी दिया। हमने अपना देश था, हमने झंडा जो जुलाना था किसानी का वो जुला दिया। लेकिन देखिए दो महीने से पूरा आंदोलन इतना शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर आपको नहीं लगता आज की तस्वीर बहुत अलग जा रही है? नहीं नहीं, कोई कुछ शांतमयी है। जो लाठी बरसाई पुलिस ने बरसाई, हमारे पास तो कोई लाठी नहीं थी, किसने शांति भंग की यहाँ पर? ये हमारे दिल्ली आज सभी तो सभी सभी लोग शांतमयी है जी। जो लाठी चलाई पुलिस ने चलाई, दिल्ली हमारी पूरा है, भाई खड़े हैं हमारे भाई लोग, कोई शांति है, पूर्ण शांति है। देखिए हमने देखा है बहुत सारे किसानों के भी चोटें आई हैं, लेकिन बहुत सारे सुरक्षा कर्मियों को भी चोटें लगी हैं। नहीं, सुरक्षा कर्मियों को जो चोटें लगी हैं वो जो उनकी आपस में भगदड़ मची थी, आपस में ही मारने लगे एक दूसरे को, साथ उकसाते थे दूसरे दूसरे के, किसान के मारो किसान के मारो। जो किसान के पुत्र है ना पुलिस कर्मी, उन्होंने मारा नहीं किसान को, तो जो किसान के पुत्र नहीं थे वो पुलिस वाले अपने पुलिस वाले को ही मार रहे थे कि किसान के मारो किसान के मारो। किसान के पास तो है ही कुछ नहीं था, खाली हाथ था किसान था जी। चलिए तो देखिए ये लाल किले पर आई भीड़ भी उग्र थी, बेकाबू थी, उन्मादी थी, उसके सिर पर जैसे खून सवार था। और लाल किले पर आंदोलन के नाम पर आई भीड़ ने वहां पुलिस के साथ जो कुछ किया उसने इन सब बातों पर मुहर लगा दी। भीड़ ने न सिर्फ पुलिस वालों के साथ मारपीट की बल्कि खून खराबे पर उतारू हो गई, जिसमें वजीराबाद के SHO को गंभीर चोट आई है। ब्यूरो इनपुट के साथ इंडिया न्यूज के लिए प्रिया सिंह, जतिन गोस्वामी, आदित्य नायर और ऐश्वर्य जैन की रिपोर्ट। और हमारे दो संवाददाता लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं, आदित्य हैं हमारे साथ और प्रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया मैं आपके पास आती हूं, और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतने हंगामे के बीच ये कवर किया पूरा हंगामा, और आपने वो तस्वीरें हम तक दिखाई जो कि पहुंचनी बहुत जरूरी थी। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि कहां कहां से ये किसान पहुंचे हुए थे? लाल किले पर जो हम तस्वीरें देख रहे हैं और जितनी भीड़ जुट गई किसानों की, वो किस किस इलाके से आए थे, किस किस रूट से आए थे, और क्या आपको भी रिपोर्टिंग करने से रोका गया? उसके बाद क्या हुआ, आप अपनी आंखों देखी भी बताइए जरा। बिल्कुल शुभ्रा, देखिए जो तय समय पुलिस की ओर से दिया गया था वो दोपहर 12 बजे का समय मुकर्रर हुआ था, लेकिन सुबह से हमने तस्वीरें देखनी शुरू कर दी थी। सुबह 7-8 बजे के करीब ही ये मार्च शुरू कर दिया गया था। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम बॉर्डर से किसान सीधा लाल किला पहुंच रहे थे, हंगामा काट रहे थे। और हमने तस्वीरें देखी, देखिए जब देश का अन्नदाता जो लोगों का पेट भरता हो वही हिंसक हो जाए तो आप क्या कहेंगे। हमने वही तस्वीरें देखी, मेरे तमाम सहयोगी आदित्य नायर को, ऐश्वर्य जैन को भी धमकियां दी गई, मुझे भी कहा गया कि आप यहां से चले जाइए अन्यथा आपके साथ कुछ भी हो सकता है तो फिर हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। मैंने कहा आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर फिर आपके साथ कुछ होगा तो आप हमारी गलती नहीं देंगे। तो तमाम जो मीडिया कर्मी है उनको तो निशाना बनाया ही जा रहा था, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा था। और साथ ही जो आज सबसे मैं कहूंगी बुरी तस्वीर भी मैं उसे कह सकती हूँ, जो हमारे देश की आन बान शान, हमारा तिरंगा झंडा जो सबसे ऊंचा फहराता है, उसके साथ आज निशान साहब झंडा फहराया गया। हम किसी झंडे का अपमान यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सभी सिख धर्म के लिए वो झंडा बेहद खास है, लेकिन देश की शान हमारा तिरंगा, उसके साथ वो झंडा फहराना शायद कहीं ना कहीं अपमान के रूप में देखा जा सकता है। और देखिए अमेरिका में हंगामा हुआ, पूरी दुनिया ने उन तस्वीरों की देखिए निंदा की, लेकिन आज जो हुआ है शायद गणतंत्र दिवस के दिन जो देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है वो शायद शुभ्रा इतिहास में दर्ज होगा, और मुझे लगता है कि आने वाले कई पीढ़ियों तक लोग इसे नहीं भूल पाएंगे। और हिंसा अराजकता किसी भी लिहाज से बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया आपका प्रिया, और बहुत शुक्रिया आदित्य आपका भी इस पूरी बातचीत के लिए। इस बीच आगे बढ़े, ये तस्वीरें आप देखिए,
ये हंगामे की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये दिन भर का हाल बयां कर रही है, क्योंकि दिन भर दिल्ली की सड़कों पर इसी तरीके से हंगामा चलता रहा। जहां जहां बैरिकेडिंग लगाई गई थी पुलिस की ओर से, उसको किसान तोड़ करके आगे बढ़ते रहे। और देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए पुलिस की तरफ से, क्योंकि किसान काबू में नहीं आ रहे थे। उन्होंने रूट को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जो रूट पहले से तय हुआ था, उस रूट पर ना चल के दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वो फैलते चले गए। और ऐसे ही अराजकता की एक तस्वीर, अव्यवस्था की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और तस्वीर आप देखिए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा और पुलिस का के कई जवान, 80 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते थे, कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही हाल बयां कर रही हैं। लाल किले पर हंगामे की तस्वीर के बाद अब आपको आईटीओ, जहां दिल्ली में हंगामे और बवाल की सबसे खतरनाक तस्वीरें सामने आई थी, वहां लिए चलते हैं, क्योंकि यहां उपद्रवियों ने पुलिस को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की और एक प्रदर्शनकारी जब बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ा तो वो हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। किसान आंदोलन का 62वां दिन काला दिन साबित हुआ। इस दिन को तय हुआ था कि किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे और वापस लौट जाएंगे। लेकिन एक तरफ राजपथ पर जैसे जैसे गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने वाली थी, दूसरी ओर किसानों का दिल्ली में जबरन ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया। जिसने पूरी दिल्ली को झकझोर दिया। दिल्ली के आईटीओ पर हम मौजूद हैं और किसान आंदोलन के लिहाज से 26 तारीख का सबको इंतजार था। और आज दिल्ली में जिन जगहों पर सबसे ज्यादा स्थिति खराब हुई, उनमें से एक आईटीओ है और इसका नजारा मैं आपको दिखा रही हूं। आप सीधे नजर डालिए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने। लगातार पिछले 2-3 घंटों से जो तस्वीर बनी हुई थी वो चिंता पैदा करने वाली रही, क्योंकि किसान हर बैरिकेड तोड़कर यहां से आगे बढ़ते रहे। और अगर जूम करके मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं, जो डिवाइडर है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने का ये पूरा इलाका है और यहां पर जो डिवाइडर है उसे तोड़ा गया, उसके जो रॉड्स हैं उसे हटाए गए। जबरन लगातार किसान वहां पर मौजूद रहे, वो लगे हुए रहे और पूरी ताकत के साथ उस रॉड को हटाया गया ताकि ट्रैक्टर्स वहां से क्रॉस कर सकें। जैसे जैसे सूरज आसमान पर चढ़ रहा था, वैसे वैसे ट्रैक्टर मार्च शांति से अशांति की ओर बढ़ने लगा और धीरे धीरे ऐसा बेकाबू हुआ कि आंदोलन की कहानी ही बदल गई। किसान लगातार ट्रैक्टर लेकर के पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीछे भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ट्रैक्टरों का आना जाना शुरू है। ये आईटीओ का चौराहा है, यही पर दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है और दिल्ली पुलिस को अपना मुख्यालय छोड़ करके भागना पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर घुमा घुमा करके दिल्ली पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके, इनके हाथों में देखिए आप, इनके हाथों में डंडे हैं, इनके हाथों में छड़े हैं और ये देखिए पत्थर भी फेंक रहे हैं। जी हाँ, पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पर। पुलिस वाले दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। जो भी इनके हाथ में आ रहा है ये दिल्ली पुलिस वालों को मार रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इस समय दौड़ना पड़ रहा है, पूरा मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, युद्ध का मैदान बन चुका है। और अब दिल्ली पुलिस वालों के ऊपर दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको बताते हैं। ये देखिए आईटीओ के दूसरी तरफ का नजारा, ये देखिए ट्रैक्टर घुस चुके हैं यहाँ पर और अब बसों के पीछे दिल्ली पुलिस यहाँ पर छुप चुकी है। अब देखना होगा कि बसों को किस तरीके से हटाते हैं, क्योंकि आईटीओ पर जो बसें खड़ी थी उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए थे, उनके कांच फोड़ दिए थे। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस की बसों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बसों के कांच फोड़े जा रहे हैं, बसों पे पत्थर फेंके जा रहे हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर घुमा घुमा करके दिल्ली पुलिस को एकदम काफी पीछे की ओर धकेल दिया गया है। आईटीओ जहाँ रोजाना आम गाड़ियां सर पर दौड़ती है, गणतंत्र दिवस के दिन वहाँ प्रदर्शनकारियों के ट्रैक्टरों का कब्जा, जो हिंसा की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, बेकाबू ट्रैक्टर आईटीओ पर दौड़ रहे थे और रोकने पर पुलिस वालों से प्रदर्शनकारी भिड़ने लगे। उग्र किसानों ने पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश भी की। दिल्ली पुलिस यहां से जा चुकी है, आप देख सकते हैं यहां पर लाठियां इनके हाथों में
और दिल्ली पुलिस को काफी पीछे तक खदेड़ दिया है किसानों ने। अभी भी ट्रैक्टरों पर अभी भी तिरंगा तो अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन तिरंगे के साथ पे जो दूसरे झंडे है फिलहाल वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन अभी भी कई सारे जितने ट्रैक्टर है उन सब पर कहीं ना कहीं तिरंगा जरूर नजर आ रहा है। सारे के सारे ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगा हुआ है, लेकिन किसानों ने अपने रूट तोड़ दिए हैं। जो रूट पहले से तय नहीं था वहां पर किसान ट्रैक्टर लेकर के पहुंच गए हैं। आईटीओ पर आने की कोई संभावना नहीं थी, पहले भी बातचीत हुई थी किसानों की, तीन दौर की बात हुई थी किसानों के साथ में दिल्ली पुलिस की, लेकिन किसानों ने अपने रूट बदल दिए, रूट तोड़ दिए और आईटीओ पर पूरी तरीके से मुकम्मल कब्जा कर लिया है, पुलिस विहीन बना दिया है दिल्ली पुलिस मुख्यालय को। जी हाँ, दिल्ली पुलिस मुख्यालय और आईटीओ इस समय पूरी तरीके से पुलिस विहीन हो चुका है, चारों तरफ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। आईटीओ पर किसानों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस पर पत्थर फेंके और वो सब कुछ किया जिससे कह सकते हैं कि किसान आंदोलन से कोई सरोकार नहीं हो सकता। पर हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए जो रूट पहले से तय कर दिया गया था उस रूट पर आप लोग क्यों नहीं चल पाए और क्यों ये जो स्थिति है वो खराब हो गई दिल्ली? मैडम, जो दिल्ली पुलिस ने रोड मैप दिया था वो उनका सटीक नहीं था। उन्होंने दिया था कि जो सराय काले खां वाला कट है वहां से टर्न होके जाना है, हमें कहीं भी बीच में दिल्ली पुलिस नहीं मिली। और ये मैडम, ये जो ट्रैक्टर मार्च का एक रैला था जहां 10-20 ट्रैक्टर चले गए उसी के पीछे सारे लोग चल दिए। ये बहुत कई प्रदेशों के किसान थे जिन्होंने, कुछ लोगों ने तो दिल्ली देखी नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कैसे किधर को जाना है। ये जो गलती हुई है दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस के कारण। और ये सारे लोग अब टर्न करके सबकी मनसा घर जाने की है, अपने आंदोलन पे जाने की है जहां से शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। जो लाल किले की तस्वीर की आप लोग बात कर रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ये तरीका सही था कि लाल किले पर जाकर खास धर्म का झंडा या फिर कोई इस तरह के झंडे जो तिरंगा झंडा नहीं है उसे फहराना क्या जायज था? नहीं, साथ में तिरंगा झंडा भी हमने रखा है उसमें, इसमें विशेष रूप से देखा जा सकता है कि तिरंगे झंडे को बिल्कुल छेड़ा नहीं गया, वो अपनी जगह पर है। साथ में जो दूसरे हैं उनके साथ में, क्योंकि इस देश में हर धर्म का पालन होता है, साथ में सिखों का झंडा भी लगाया गया है, किसानों का झंडा भी लगाया गया, लेकिन तिरंगे को छेड़ा नहीं गया, तिरंगा भी अपनी जगह पर अटल रहा। आईटीओ पर ट्रैक्टर परेड की जो तस्वीरें थी वो वाकई डराने वाली थी, क्योंकि जिस तरह यहाँ सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों के साथ सलूक हुआ वो न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि डराने वाला भी, क्योंकि यहाँ न सिर्फ पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारियों ने पीटा बल्कि उन्हें ट्रैक्टर से भी कुचलने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।